चांद मुबारक, इस चांद को चांदनी मुबारक और आप सभी को BCN न्यूज की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फित्र, जिसे मीठी ईद के रूप में भी जाना जाता है, हिजरी कैलेंडर के अनुसार 10वें महीने यानी शव्वाल के पहले दिन यह त्योहार दुनिया भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस्लामी कैलेंडर में ये महीना चांद देखने के साथ शुरू होता है। जब तक चांद नहीं दिखे तब तक रमजान का महीना खत्म नहीं माना जाता। इस तरह रमजान के आखिरी दिन चांद दिख जाने पर अगले ही दिन ईद मनाई जाती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शहर से मदीना के लिए निकले थे। का त्योहार सबको साथ लेकर चलने का संदेश देता है। ईद पर हर मुसलमान, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्न हो या ना हो, सभी एक साथ नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की खुशियां बांटते हैं। इस्लाम में इस ईद पर ज़कात एक महत्वपूर्ण पहलू है। हर मुसलमान को धन, भोजन और कपड़े के रूप में कुछ न कुछ दान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुरान में ज़कातुल फित्र को अनिवार्य बताया गया है। ज़कात यानी दान को हर मुसलमान का फर्ज कहा गया है। ये गरीबों को दिए जाने वाला दान है। परंपरागत रूप से इसे रमजान के अंत में और लोगों को ईद की नमाज पर जाने से पहले दिया जाता है। मुसलमान अपनी संपत्ति को पवित्र करने के रूप में अपनी सालाना बचत का एक हिस्सा गरीब या जरूरतमंदों को कर के रूप में दे देते हैं। की शुरुआत सुबह दिन की पहली नमाज के साथ होती है, जिसे सलात अल फज्र भी कहा जाता है। इसके बाद पूरा परिवार कुछ मीठा खाता है। वैसे ईद पर खजूर खाने की परंपरा है। फिर नए कपड़ों में सज कर लोग ईदगाह या एक बड़े खुले स्थान पर जाते हैं, जहां पूरा समुदाय एक साथ ईद की नमाज अदा करता है। नमाज के बाद ईद की बधाई दी जाती है, उस समय ईद मुबारक भी कहा जाता है। ये एक दूसरे के प्यार और आपसी भाईचारे को दर्शाता है। इसी के साथ ही इस ईद में बच्चों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें इस ईद पर ईदी के तौर में कुछ रकम दी जाती है, जिसे पाकर बच्चों के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। वहीं मीठी ईद कही जाने वाली यह ईद शीर खुरमे के बिना अधूरी मानी जाती है। उसी तरह जब लोग नमाज अदा कर अपने घर लौटते हैं, तब दूध, मेवे और सेवैयों से बना मीठा शीर खुरमा खाकर ईद का ये त्योहार मनाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि रमजान में पूरे 30 दिन रोजे रखने के बाद मुसलमान एक इम्तिहान से गुजरते हैं। इस इम्तिहान के पार होने के बाद अल्लाह की तरफ से तोहफे के तौर पर ईद के दिन को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है।
नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने का मकसद यह सिखाता है कि इस दिन सभी आपस के मनमुटाव और दुख गमों को भुलाकर सभी को माफ़ कर एक दूसरे के साथ नई शुरुआत की जाए और खुशी के साथ इस त्योहार को मिलकर मनाया जाए। तो इस ईद पर आप भी अपने हर बीच के मनमुटाव मिटाकर, गमों को मिटाकर नई शुरुआत के साथ खुशियों के साथ ईद का ये त्योहार मनाएं। तो इस ईद पर BCN न्यूज़ उम्मीद करता है कि जिंदगी का आपका हर एक पल खुशियों से कम ना हो, आपका हर दिन ईद के दिन से कम ना हो, ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो। दिल से आपको BCN न्यूज़ की तरफ से मुबारक ईद हो।